नमस्ते ललिता स्पाइसी ट्रीट में आपका स्वागत है। आज मैं इंस्टेंट पोटैटो बेस्ड फ्राइड राइस बना रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल लिया है, हाफ चम्मच जीरा लिया है, 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कटा हुआ अदरक लहसुन डालूँगी, मैंने इसे छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब मैं यहाँ पर चॉप्ड बीन्स ली हूँ, इसे भी मैंने छोटे छोटे काट लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करी पत्ता ले रही हूँ, इसे हम मिला लेंगे और फिर 1 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने फ्लेम को लो रखा है, हाई नहीं रखा है। अब मैं यहाँ पर कटा हुआ कैबेज ले रही हूँ, मैंने इसे पतले पतले काट लिए हैं। मैं यहाँ पर 2 प्याज ले रही हूँ और मैं 1 कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसे 1 मिनट तक हल्का लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। मैं इसमें 50 ग्राम के लगभग मटर डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और हम इसे सॉफ्ट होने देंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 1/3 चम्मच जीरा पाउडर ले रही हूँ, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे उबाला हुआ आलू लिया है, इसे मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको जल्दी से फ्राइड राइस बनानी हो तो आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें कुक्ड राइस डालूंगी, मैंने इसे ठंडा करके रखा था पहले से ही, तो हम इसे अब मिला लेंगे। इसमें आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं, तो इसे हम अच्छे से मिला लिए हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डालूंगी, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मैं मीडियम फ्लेम पर इसे बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती डालूंगी और फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो पोटैटो बेस्ड फ्राइड राइस तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म किसी भी सॉस या चटनी के साथ खाएं। तो चलिए हम इसे प्लेट में गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और कटा हुआ धनिया पत्ती से हम इसे गार्निश कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईजी एंड क्विक रेसिपी पोटैटो फ्राइड राइस तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म खाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।